कितने लाख कितने की है भैया? 1 करोड़ की। अच्छा भाई अभी हमने 1 करोड़ का भैंसा देखा, ये बोल रहा हो गया क्या? नहीं भाई ये तो कुछ भी कैमरा घुमा रहे कह रहा है 1 करोड़ का भैंसा, ऐसे कर रहा कैमरा 1 करोड़ का भैंसा नहीं, इतनी इतनी कीमत नहीं इसकी। ओ भाई किधर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, हमने 21 करोड़ का पैसा है। वाओ आज तक इससे भाई हमने इंटरनेट में देखा था, फोटोज में देखा था, बट आज सामने देख रहा हूँ, खुशी में बता नहीं सकता भाई, खुशी नहीं बता सकता मैं। टिकट लगना चाहिए लेकिन इसे बेचने के लिए रखा हमने, ये ऐसे प्रदर्शनी के लिए। जोधपुर का पैसा है, ये है क्या? नहीं जोधपुर का, जोधपुर आगे जो आता था वो इसका ही था। पंजाब का, पंजाब का। ये सब लोग मुझे देख के समझ रहे हैं कि मैं इस पैसे का मालिक हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, ऐसी कुछ भी बोल दिया इनको। अबे लड़ाई होगी क्या? भाई यार बसड़ मचा दिया इधर, तुम घर क्या सेक्शन थोड़ा देर लेट पहुंचे वरना लड़ाई का अंदाज मजा भी आया। ये रहा अपना अश्वराज, क्या बात है, वाओ। क्या रिंग में ले जाते क्या? अच्छा अच्छा क्या बात है, देख लो तो देखिए। अभी अपन निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से वापस सावित्री टेम्पल की तरफ, और पहले हमारा प्लान है कि सावित्री टेम्पल क्या शाम में जाएंगे। वैसे उससे पहले मैं आपको दो लोगों से मिला देता हूँ जो हमने नए फ्रेंड्स बनाए हैं। ये हरी फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा राइट, मेरठ मेरठ मेरठ। और ये तो भाई आयुष भाई हैं श्री गंगानगर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले मेला जाएंगे उसके बाद सावित्री टेम्पल जाएंगे, ये इनका कहना है ऐसा। भले वैसे मैं भी सहमत हूँ इसके साथ, ये क्यों करना चाहते हैं पहले आप? क्योंकि और पता ही नहीं क्या करें, सावित्री टेम्पल में सनसेट देखने के लिए बोल रहे हैं सब। हाँ और कैमल फेयर तो इतना क्या ही है, ठीक है देख लेंगे जैसा भी होगा। अरे सुना है 25 करोड़ का एक वो भी भैंसा भी आया। हाँ आज की पेपर में है, अजमेर में। हमारा भैंसा थोड़ी है, हमने क्या लेना, हम लोग घूमने जा। बोल दे, हम बोलना चाहेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको पता चल गया होगा कि हॉस्टल में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, समझ में आ रहा ना आपको? तो क्या है कि क्या है कि अभी अजमेर से मतलब जो हॉस्टलर है वहाँ से आने में लगभग लगभग मुझे लगता है कि 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो फेयर जो जहाँ पर लगता है। तो वहाँ से हम लोग ब्रह्मा टेम्पल के पीछे से होते आ रहे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज कार्तिक पूर्णिमा की वजह से, इन लोगों ने आज पूजा किया, मैंने तो कल किया था, वो ब्लॉग आप देख लिए होंगे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, धूप थोड़ी कड़क सी हो रही है, पीछे जैकेट वैकेट सब रख लिया क्योंकि जैसे यहाँ हल्की देखो रेत रेत सा होने दिख रहा होगा आपको, जैसे क्या हो गया छिपकली आ गई थी, छिपकली से डरता है भाई अपना। तो ऐसा है कि हम लोगों ने 1 किलोमीटर का रास्ता लगभग 1.5-2 किलोमीटर कर लिया क्योंकि वापस इस रास्ते चले गए, किसी को पता नहीं था, वो तो मुझे याद आ गया। हरी भाई को याद आ गया कि भाई, लेकिन यार ये पॉइंट तो मैंने दिया ना कि भाई भीड़ नहीं दिख रही। फिर हमने सर्च किया, पूछा कि भाई आप लोग लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, इधर नीचे तो आप अजमेर चले जाओगे, नीचे जाओ वहाँ से फेयर लग रहा है। चलो क्रेडिट चोर आदमी यार, ये क्या बात हुई? मैंने अगर मैंने दिलाता कि हम सही तो जा रहे हैं ना, अरे हाँ हम कहाँ जा रहे हैं ये बोला है भाई ये। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार आया भाई, इधर देख भी लिया, देखो पूरा रेत का टीला आपको दिख रहा होगा, ऊपर सावित्री माता का टेम्पल है, देखो पूरा रेत रेसा दिख रहा है। तो देखो अभी हम लोग जीप सवारी अभी तुरंत नहीं करने वाले, बट एक बार जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ आ गए। ठीक है आपका राइड होगा, हाँ जीप में जाओगे तो आपका ऑफ रोडिंग भी होगा, आपको नीचे 800 रुपये लेती है, मेरे ऑफिस का कुछ नहीं बच रहा लेकिन गाड़ी वाले को देना पड़ता। अरे 150 पर हेड ले लो आप, आराम से हो जाएगा उसमें। अरे 150 कैसे होगा? तो इस तरफ आके लग रहा है ऐसा कि दो ही जो चहलकदमी है जिस चीज़ का इंतज़ार था वो शुरू हो गया है यार। अभी भी जो मेन मेला ग्राउंड वहाँ तक नहीं पहुँचे, बट यार देखिए पूरा जो है मार्केट सज चुका है। ओ भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहा है भाई?
छू सकता हूँ? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, परेशान तो नहीं जाएगा ना? थोड़ी दूर है, बहुत दूर होंगे गड्डी ले हो गया, असि तो गड्डी से ही आए हुए हैं, गड्डिया चलती पे ताइ आप चलते पे ने। हाँ चलो ठीक है, धन्यवाद। तो पीछे क्या है, पीछे बस मेला मेला सो रखा है। भाई ने पंजाबी में इतना बढ़िया से बात किया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। लगी कितने लग, कितने की है भैया? एक करोड़ की। अच्छा कितनी करोड़ की? 31 लाख की लगी है मांग आपकी। 31 लाख की लगी है मांग आपकी, 1 करोड़ की है। भाई साहब नाम है इसका शेरा। शेरा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के। कैमरा घुमा रहे कह रहे हैं 1 करोड़ का पैसा। ठीक है, ऐसे करो कैमरा। 1 करोड़ का पैसा नहीं, इतनी इतनी कीमत नहीं इसकी। वो उसका उसका नाम था शेरा, और उसका मतलब जो अभी तक जो हाँ, ये काफी बात बात करके आए हैं उनके साथ, खा पी कर आए हैं, वो चल रहे थे, ये बातें बातें करती, पूरा इंटरव्यू लिया इन्होंने। वो आपको भी दिख जाएगा जिंदा मतलब। तो उसके अभी तक की हाईएस्ट 31 लाख की बुझ लगी, बट वो देखने हम नहीं आए। एक जो ऐसा है भाई, उसकी कीमत 25 करोड़ रुपये है, बस वो देखने आए। भाई साहब परेशान हो रहे कि भाई तेरी अलग ही चल रही है, भैंसा देखने आए तो पुष्कर पैट्रिक बोलना, सेंसर करना पीछे तैयार है। तो मतलब बोले भाई देखने तो भैया है, और देख के तो जाएंगे जरूर। अरे भाई सोच रहा हूँ गलत आदमी के साथ आ गया, भैंसा देखने ले जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो मैंने बहुत पहले सोच लिया था, जब 500 मीटर करके 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हम, किस क्या देखने के लिए, भैंसे देखने के लिए। भाई चलो सही भाई, ऐसा दिखाएंगे भैंसा, हालांकि हम भी नहीं देखे, मजा आ जाएगा भाई। चलो दिखाते हैं भैंसा। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करे, सावधान रहे, सतर्क रहे। इसे इसीलिए तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके देखने जा रहे हैं भाई उसको, ध्यान से देखिए इस लड़के को। क्या नाम है? राजू। राजू राजू क्या प्राइस लगाई इसकी? क्या प्राइस लगाई? बेचने का नहीं। अच्छा बेचने, बस प्रदर्शनी के लिए। भाई मेरे साथ जो बंदे आए उनका तो हालत टाइट हो रहा है, मैंने बोला कि भाई तुम लोग सोडा पियो, मैं तो भाई ऐसा देख कर ही जाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। काफ़ी दूर आ गए हम लोग उस पॉइंट से जहां हम लोग पीछे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला 500 मीटर। लेकिन अरे वाह यार, यार सच में अगर आप एनिमल लवर हो ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो कितना सारा है, चैम्पियन नेम मोहिनी। वाह ये मज़ा आने वाला है। क्या हाइट होगी भैया इसकी? 67 है भाई। 67? क्या बात है यार, अभी तक का ये सबसे ऊंचा घोड़ा देखा मैंने, 67। वहाँ मोहिनी 65 और कृष्णा 66 था, ये 67 है। क्या बात है, तगड़ी थी भाई। एक और आ रही है देखो, वाओ मैन वाओ। ये सब अभी बिल्कुल पीछे रिंग चल रहा है, वहीं पे जाएंगे फॉलो शॉट ले रहा हूँ। आ गया हूँ, अंदर हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आए और किसी से पूछे तो आप ये मान के चले कि आपके 500 मीटर करके 3 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर हो जाए, जहाँ से पूछेंगे भाई भैंसा कहाँ मिलेगा आपको, 500 मीटर करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया। चलो इसी के साथ अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, जिस मकसद से मैं आया था वो पूरा हो गया, ऐसा हमने देख लिया। भले उसके चलते आपको 500 मीटर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल आखिर वाला जो कैंप है वहाँ पे जो वो वहीं आपको मिलेंगे, सुकून के आंसू। सुकून के आंसू वहीं मिलेंगे, 30 करोड़ वाला ऐसा वहीं मिलेगा। अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ विद 2 of my buddies। लाइक सब्सक्राइब कमेंट। हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन जोधपुर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पुष्कर क्या दूसरे ब्लॉग जरूर देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।